बात कैपिटल गेन टैक्स की करते हैं। बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए हैं। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। डीडी न्यूज के साथ विशेष पैनल में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं। कैसे समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया। किसी भी परिसंपत्ति को बेचने से जो आपको फायदा होता है, आपको उस फायदे पर सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कम अवधि में होने वाले फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लंबी अवधि में होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। आपको बता दें कि सोने चांदी, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा अलग अलग थी और कैपिटल गेन टैक्स की दरें भी अलग अलग थी। अब बजट में कैपिटल गेन व्यवस्था को सरल बनाते हुए कैपिटल गेन की समय अवधि में बदलाव किया गया है। शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल और दूसरी परिसंपत्तियों के लिए अब 2 साल लॉन्ग टर्म होगा। इसके साथ ही अब देश में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर एक ही कर दी गई है। अब देश में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। ध्यान रहे कि कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था बजट पेश होने के तुरंत बाद लागू हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कैलकुलेशन में जुटे हैं। दरअसल पहले प्रॉपर्टी पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। इंडेक्सेशन समय के साथ महंगाई के असर को शामिल करते हुए वास्तविक रिटर्न को मापने का तरीका है। सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है, जिसके आधार पर महंगाई के असर को नापा जाता है। अलग अलग समय सीमा के साथ ये फॉर्मूला पूरी कैलकुलेशन को काफी पेचीदा बना देता था। आम आदमी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इंडेक्सेशन के झंझट को खत्म कर दिया है। अब 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको इंडेक्सेशन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और प्रॉपर्टी की बिक्री पर जितना फायदा हुआ उस पर 20% के बजाय केवल 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे तकरीबन सभी तरह के मामलों में करदाताओं को फायदा होगा। आप बताओ, 2005 आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। किस रेट पे खरीदी थी? बोला साहब 20 लाख रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी? बोला साहब 2 करोड़ रुपया। साहब मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं? मैंने कहा देखो, आज भी अगर तुम बेचते तो नहीं मिलता, लेकिन जो है तुम बहुत खुशनसीब हो कि ये आज बजट आ गया, तुमने इससे पहले नहीं बेचा। क्योंकि अगर तुम बेचते तो मेरे अनुमान में ज्यादा होता। कहता कैसे? मैंने कहा देखो, पिछले 19 वर्ष में 2005 में जब तुमने खरीदा जी, जी, जी। और आज 3 गुना इंडेक्स जो है बढ़ा। मतलब 20 लाख रुपया जो था उसको हम इंडेक्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 60 लाख रुपया हुआ। तो 2 करोड़ पे अब तुम्हें कितना टैक्स जो है इंडेक्सेशन के साथ देना पड़ता? कहा साहब 2 करोड़ में से 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख हुआ। 1 करोड़ 40 लाख रुपये पे मैं 20% देता तो 28 लाख रुपया देता साहब। मैंने कहा आप कितना दोगे? बोला साहब 2 करोड़ में से अब तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है। अब तो जो है 20 लाख ही घटा सकता हूँ 1 करोड़ 80 लाख पे। कैलकुलेटर से निकाल के बोला 22.5 लाख। तो मैंने कहा क्या फायदा हुआ? 5.5 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ। आयकर विभाग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा, इंडेक्सेशन के बिना नया कैपिटल गेन टैक्स ज्यादातर लोगों को फायदा देगा। अगर 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 1.7 गुने से ज्यादा बढ़े तो नई रिजिम में फायदा होगा। अगर आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और उसके दाम 2.4 गुने से ज्यादा बढ़ता है तो भी आपको नई रिजिम में फायदा होगा। इसी तरह से 2009-10 में खरीदी गई प्रॉपर्टी के दाम अगर 4.9 गुना या इससे ज्यादा बढ़े तो नई कैपिटल टैक्स रिजिम में आपको फायदा होगा। अगर प्रॉपर्टी के दाम हर साल 9-11% की कम दर से बढ़े हों तो आपको पुराने रिजीम में फायदा होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले पैसे को दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं तो पहले की ही तरह आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में CBDT चेयरमैन ने भी साफ किया कि लॉन्ग टर्म की परिभाषा को बदलने का भी निवेशकों को सकारात्मक फायदा मिलेगा।